फ्रेंड्स, मेरे अर्चनाज आरटीएफ चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक ये देखिए डोरी से रस्सी से ये जो वाइट कलर की है उससे एक बहुत सुंदर बास्केट बनाऊंगी। तो ये देखिए पहले हाथ से 3-4 राउंड कर लिए, उसके बाद इसको मशीन को अभी स्ट्रेट स्टिच में ही 4-5 राउंड देखिए सीधे सीधे लाइन से इसको स्टिच कर लेंगे। इसे ये देखिए इस तरह से स्ट्रेट स्ट्रेट 3-4-5 यूँ टाँके लगा देंगे जिससे पूरा गोला फिक्स हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये देखिए इस तरह से, अब उसके बाद मैं इसको जिगजैग पे कर लेंगे मशीन को। और जिगजैग पे करने के बाद इसमें देखिए ये अब ये राउंड ये शुरू कर दिया बाहर की मशीन, देखिए बाहर की डोरी और जिगजैग पे मशीन किया और उस पर तो ये बहुत अच्छे से सर्कल पे गोल गोल घुमाओ तो टाँका लग जाता है और बहुत अच्छे घूमते रहती है, सिलाई अच्छे से आ जाती है। अब इसमें एक मैं थोड़ा ट्विस्ट दे रही हूँ, तो बीच में मैं इसमें डिज़ाइन बना रही हूँ। तो जैसे बीच का हिस्सा है मेरी बास्केट का, तो उसमें एक मैंने प्रिंटेड कपड़ा है तो उसको इसके सेंटर में लगाऊंगी। देखिए आप तो उस ये देखिए सेंटर में लगाऊंगी, ये इतना ही बड़ा काट लिया, थोड़ा सा बड़ा है तो ये मेरे लास्ट जो बाहर एक राउंड आता जाएगा तो उसमें दबता चला जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से, और ये मेरे जो बास्केट है डलिया है उसके बीच में बहुत अच्छा प्रिंट, बेस में बीच में बहुत अच्छा प्रिंट दिखेगा। देखिए ये भी एक तरीका है आपको ये डलिया जैसे प्रिंटेड करके दिखानी है तो वाइट रस्सी है उसमें ये प्रिंट बड़ा अच्छा आएगा। ये देखिए पूरा कपड़ा अच्छे से दबा के और फिर उसके बाद एक पूरा राउंड लग जाएगा। ये देखिए और ये बहुत सुंदर अच्छे से कवर कर लेता है। और ये देखिए एक बहुत अच्छी डिज़ाइन बन गई। अब इसके बाहर भी मैंने इतना स्ट्रेट बढ़ाया है पूरा। अब उसको मैं ये देखिए इसमें इसी कपड़े की लंबी पट्टी काटी है मैंने, तो मैंने बायस पर काटी है उसको। स्ट्रेट भी चलेगा लेकिन बायस पर काटी मुझे लगता है ज़्यादा ठीक रहेगी उसके ऊपर मोड़ने से। देखिए इसके ऊपर रस्सी के ऊपर चढ़ा रही हूँ उसको मोड़ के, यहाँ से शायद थोड़ा दिख नहीं पा रहा है, नेक्स्ट टाइम कुछ बनाऊँगी तो मैं उसको दिखाऊँगी। तो उसी रस्सी के ऊपर लपेट रही हूँ मैं इस कपड़े को, लपेटते जा रही हूँ और लगाते जा रही हूँ। देखिए हाथ से लपेटते जा रही हूँ और इसका पूरा एक राउंड में इसमें पूरा एक राउंड बनाऊँगी। तो ये देखिए इस तरह से पूरा बन गया है एक राउंड। इसको उठा करके मैं यहीं से शुरू हो गया इसके बस इसमें ये देखिए बस इसको उठाया और पूरा उसमें अब नॉर्मल कर रही हूँ। बस एक राउंड लगाया था उसका कपड़े के साथ जो, तो एक लाइन बहुत सुंदर दिख रही है देखिए यहीं से दिख रही है। अभी एक राउंड और दिया है मैंने तो उसको भी इसी तरह से जो रस्सी है उसके ऊपर लपेट के कपड़े को उसको तिरछा रख के बायस पर काटा मैंने, जैसे ओरेप बोलते हैं ओरेप पट्टी काटते हैं उस वैसे काटा है। तो ये देखिए ये दूसरा राउंड पूरा हो गया। अब इसके ऊपर से वाइट पहले बनाए, अब ये देखिए लूप निकाल रही हूँ दो पकड़ने के हैंडल जैसे, दो राउंड इसके निकाले हैं। अब दो ये देखिए इतना एक तरफ और इसी तरह दूसरी तरफ सेम नाप के दूसरी तरफ कर देंगे तो इस तरह से दोनों तरफ ये पकड़ने के हैंडल बन जाएंगे। और इसकी मैं दो राउंड करूँगी, एक और एक पर एक और ये देखिए दो राउंड दो बार। तो थोड़े हैंडल जो बने हैं थोड़े थिकनेस आएगी तो इस तरह से ये देखिए ये मेरी बनके तैयार हो गई है बास्केट, कितनी सुंदर बनी है। देखिए ये कलर जो मैंने बीच में लगाया सेंटर में जो एक ये दिया है पीस और ये दो धारियाँ तो बहुत सुंदर बनके तैयार हुई है फ्रेंड्स। तो आपको ये देखिए बहुत ही सुंदर बनके तैयार हुई है।
ये देखिए बीच में इसमें जो सेंटर में कपड़ा लगाया है इससे बहुत अच्छी डिज़ाइन बन गई। और उसी कपड़े को ये मेरे एक कुर्ते का स्लीव जो उसका थोड़ा बचा हुआ कपड़ा था जो मैंने कुर्ता स्टिच किया था अपना उसी का कपड़ा बचा हुआ था उसी में से काट के बनाया है। बहुत थोड़ा सा एक रुमाल से भी कम कपड़ा लगा है इसमें। और ये देखिए बहुत सुंदर बन के तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।